नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मोयल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपकी कक्षा 9वीं में हिंदी के रचनात्मक लेखन के अंतर्गत संदेश लेखन पढ़ाने जा रहा हूँ। संदेश लेखन इस वर्ष सत्र 2020-21 में आपके पाठ्यक्रम में रचनात्मक लेखन के अंतर्गत 5 अंक के लिए संदेश लेखन नया विषय छोड़ा गया है। आइए जानते हैं संदेश लेखन किसे कहते हैं और इनके प्रारूप कैसे हैं, इनको लिखे कैसे जाते हैं। तो संदेश का अर्थ होता है कोई बात या जानकारी, खबर, आज्ञा या आदेश। एक संदेश एक छोटी सी जानकारी है जो किसी व्यक्ति के लिए लिखी जाती है। जैसा आप भी संदेश लिखते होंगे, जिनको मिलकर बताने में असमर्थ है, जिनसे हम संपर्क नहीं कर सकते हैं, उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, उनको हम संदेश लिखकर भेजते हैं। अंग्रेजी में इसे मैसेज भी कहते हैं। ऐसे में हम कागज़ पर कुछ संक्षिप्त बात लिखते हैं और किसी माध्यम से दूसरे तक पहुंचाते हैं जिनको हमको संदेश देना है। इसे ही तो संदेश लेखन कहते हैं। आधुनिक युग में मोबाइल, कंप्यूटर आदि के माध्यम से SMS और ईमेल का प्रचलन बहुत ही अधिक हो गया है। संदेश भेजने का ये आधुनिक साधन भी बन गया है। कागज पर लिखे संदेश का अपना ही एक महत्व होता है। संदेश एक छोटी सी जानकारी होती जो किसी व्यक्ति के लिए लिखी जाती है, जो कि आप किसी कारण से मिलने और उनसे बोलने में असमर्थ हैं। तो संदेश लेखन का अपना एक विशेष महत्व है। किसी व्यक्ति विशेष या समूह द्वारा किसी व्यक्ति या समूह को लिखा जाने वाला दुख सुख समाचार भी संदेश लेखन की श्रेणी में आता है। संदेश लेखन के आवश्यक तत्व है, इनको ध्यान में आपको रखना है। विषय के अनुकूल होना चाहिए। दूसरा, रचनात्मकता का ध्यान दें। किस तरह आप अपने संदेश को बहुत ही प्रभावशाली बना सकते हैं। तीसरा, सृजनात्मकता आवश्यक है। आप अपने शब्दों में अपने भावों के आधार पर संदेश लिखें। संदेश संक्षिप्त और सारगर्भित होना चाहिए, सुबोध होना चाहिए, सरल व मोटे अक्षरों में दिवस और समय को भी लिख सकते हैं। भेजने वाले का नाम, पद आवश्यकता अनुसार यदि जरूरत हो तो लिखें। भाषा परिस्थितियों के अनुकूल होनी चाहिए। जैसा आप संदेश लिख रहे हैं, शब्दों के चयन में भाषा की दक्षता नजर आनी चाहिए। और अंतिम है शब्द सीमा। इसका विशेष ध्यान रखें, बहुत बढ़ा चढ़ाकर या बहुत ही कम शब्दों में ना लिखें। संदेश लिखते समय 30 से 40 शब्द का प्रयोग करें। आगे देखिए, उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे श्यामलाल शर्मा जी ने गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करने के लिए संदेश दिया है। यहाँ पर सबसे पहले तिथि, उसके पश्चात समय यहाँ पर दर्शाया गया है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मय श्री गुरुवे नमः। श्लोक के माध्यम से ये संदेश भेजे हैं। जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रेषित करने के लिए संदेश लिखा है। मीरा तिवारी ने अपनी सहेली या अपने संबंधी को एक दुआ मांगते हैं। हम अपने भगवान से चाहते हैं आपकी खुशी पूरे ईमान से, सब हसरते पूरी हो आपकी और आप मुस्कुराएं दिलो जान से। इस प्रकार जन्मदिन की मुबारक हो करके जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रेषित कर रही मीरा तिवारी। ये जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करने के लिए संदेश हुए। आइए जानते हैं संदेश लेखन के प्रकार। संदेश लेखन के तो अनेक प्रकार हैं। हम यहाँ विशेष रूप से CBSE द्वारा कक्षा 9वीं आपकी कक्षा में जो शामिल पाठ्यक्रम हैं उनके आधार पर ही भेद की जानकारी लेंगे। तो इनके 3 प्रकार हैं। शुभकामना संदेश, पर्व तथा त्योहारों पर दिए जाने वाले संदेश, विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश। इसके अंतर्गत हम सभी तरह की शुभकामनाओं के संदेशों को शामिल कर सकते हैं। जैसे जन्मदिवस, कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करना, प्रतियोगिता में उत्तीर्ण होना, पदोन्नति होना, नया घर,
गृह प्रवेश, विदेश भ्रमण, भाई बहन के विवाह आदि के लिए हम शुभकामनाएं प्रेषित करने के लिए संदेश लिखते हैं। पर्व त्योहार पर दिए जाने वाले संदेश जैसे स्वतंत्रता दिवस, भैया दूज, होली, दीपावली, नववर्ष, ईद मिलाद उन्नबी, क्रिसमस आदि पर्व पर हम संदेश देते हैं। आप लोग भी भेजते हैं व्हाट्सएप या अन्य संदेश के माध्यम, संदेश भेजने के साधनों द्वारा। विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश जैसे पुण्यतिथि हो गया, शोक संदेश हो गया, भागवत कथा का आयोजन हो गया, पर्यावरण दिवस संबंधी आयोजन हो गया, इस संबंध में भी हम संदेश लिखते हैं। तो ये तीन प्रकार हुए संदेश लेखन के। आइए उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। जन्मदिन की हार्दिक बधाई हेतु संदेश, यहाँ पर तिथि लिखे, यहाँ पर समय, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो, मुबारक हो, ये इस प्रकार गीतांश ने अपना संदेश प्रेषित किया है। प्रथम आने पर ढेर सारी शुभकामनाएं, दिनांक के साथ समय मध्याह्न 12 बजे, मेरे प्रिय मित्र को कक्षा में प्रथम आने पर ढेर सारी शुभकामनाएं, तुम इसी तरह उन्नति एवं प्रगति करते रहो, कैलाश वर्मा द्वारा यह संदेश दिया गया। बधाई पत्र के साथ आप कुछ चित्र भी अंकित कर सकते हैं। जन्मदिन की शुभकामनाओं के लिए, मेरी प्यारी बहन को जन्मदिन की शुभकामनाएं, अपने भाई की ओर से ढेर सारा प्यार, हार्दिक बधाई, कमल के द्वारा यह जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं अपनी बहन को, 15 सितंबर को लिखा गया यह संदेश है। सुबह का समय 9 बजे। विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश जैसे पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं देने के लिए यह पत्र, यह संदेश लिखा गया है। जैसे उन्होंने अपने संदेश में चित्र भी अंकित किया है और 5 जून आओ मिलकर पेड़ लगाएं, इस धरती को गुलजार बनाएं, खुली हवा में हम ले सांसें और बीमारी को दूर भगाएं, सर्वेश संस्था की ओर से आओ मिलकर पेड़ लगाएं, इस प्रकार से हम यह संदेश लिख सकते हैं। भारतीय सेना की सेना दिवस की शुभकामनाओं के लिए यहाँ पर तिथि, यहाँ पर समय, लहू वतन के लिए रंग लाया है, मन में नाम आजादी का भर आया है, शहीदों को नमन, जय हिंद जय भारत, ऐसे संदेश लिखते हुए विवेक गुप्ता ने भारतीय सेना दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित की है। ये हुए संदेश लेखन के प्रारूप। बच्चों, आप अपनी अभ्यास पुस्तिका निकाल कर इन प्रश्नों को लिखेंगे और इसके आधार पर अपनी अभ्यास पुस्तिका में आप बॉक्स बना के ये संदेश लेखन करेंगे। पहला, आपके नाना नानी की शादी की 50वीं वर्षगांठ पर उन्हें शुभकामना संदेश लिखिए। दूसरा, आपके मित्र ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, उसे शुभकामना देते हुए संदेश लिखना है। तीसरा, अपने मित्र को उसके भाई के विवाह पर शुभकामना संदेश प्रेषित करना है। आपके चाचा जी जिला के अध्यक्ष बन गए हैं, उन्हें शुभकामना संदेश लिखिए। तो इस प्रकार से ये संदेश लेखन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में हर एक व्यक्ति इस संदेश के माध्यम से, क्योंकि हम अपने, हमारे पास समय की कमी, विभिन्न कारणों के माध्यम से हम छोटी से छोटी बात को पहुंच कर नहीं बता सकते, तो हम उनको संदेश लेखन के माध्यम से संदेश प्रेषित करके बता सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वह SMS, छोटे से SMS हो, या ईमेल के माध्यम से हो, या अन्य प्रकार से। तो ये संदेश लेखन महत्वपूर्ण है। आशा करता हूँ कि आपको संदेश लेखन के नियम, प्रारूप और उदाहरण बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में अगले विषय के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने अभ्यास कार्य पूर्ण करते रहेंगे। धन्यवाद बच्चों।